बुधवार को भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया, लेकिन इस धूमधाम की तस्वीर जलेसर रोड पर स्थित उनकी प्रतिमा पर धूल फाकती नजर आई। भाजपा ने इस अवसर को भव्य बनाने के लिए प्रदेश भर में खास आयोजन किए, लेकिन हाथरस में कल्याण सिंह की प्रतिमा की देखभाल की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। दिन भर प्रतिमा पर कोई भाजपा नेता या कार्यकर्ता माल्यार्पण करने नहीं पहुंचे, जिससे प्रतिमा धूल और गंदगी से ढकी रही। यह स्थिति तब सामने आई जब स्थानीय लोगों ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा को इस विषय पर सूचित किया। इसके बाद रात को आशीष शर्मा ने खुद वहां जाकर प्रतिमा की सफाई कर माल्यार्पण किया। आशीष शर्मा ने इस अवसर पर कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने हिंदू हृदय सम्राट का दर्जा प्राप्त किया था। राम मंदिर आंदोलन में अपनी कुर्सी की भी परवाह नहीं की। आश्चर्य व्यक्त किया कि पूरे दिन में कोई भी भाजपाई नेता यहाँ नहीं आया और प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया। वहीं स्थानीय निवासी मनोज कुमार ने इस घटना पर टिप्पणी की कि जब कोई भाजपा कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचा, तब उन्होंने आशीष शर्मा को सूचित किया, जिन्होंने तत्परता से वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस घटना ने भाजपा की संगठनात्मक कमजोरी और प्रबंधन की कमी को उजागर किया है, जबकि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को इस महत्वपूर्ण दिन के महत्व को समझने और कार्य को सही ढंग से अंजाम देने की आवश्यकता पर जोर दिया। मनोज कुमार शर्मा, तो कोई आया नहीं आगे यहाँ पर? कोई नहीं आया यहाँ पर। अच्छा, फिर आपने क्या किया है? फिर हमने वोट दिया था आज शर्मा जी को, फिर वो आए, उन्होंने यहाँ साफ सफाई की। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के महामहिम और हिंदू समाज के गौरव स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि है, और आज हमने भी अपने कार्यकाल में नगर पालिका में यहाँ एक उनकी मूर्ति की स्थापना की थी, और आज वहाँ शाम को हम यहाँ आकर माल्यार्पण किया है, पार्क की सफाई की है, और एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी है जिसने देश में हिंदू समाज के लिए अपनी सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी को भी त्यागा था। भारत माता की जय। मंगलायतन यूनिवर्सिटी डेढ़ दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा। 70 एकड़ में फैला 8,000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAK+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।